जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमन फर्स्ट T20 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच काउंटी ग्राउंड चैलेंजफोर्ड के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पर पिन करके दे दूँगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब दोस्तों हमें पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 14 जुलाई को इंग्लैंड वुमन वर्सेस इंडिया वुमन के बीच में थर्ड T20 मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और जो पिच रहेगी ना यहाँ पर वो न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। लेकिन आमतौर पर ना जो काउंटी ग्राउंड चैलेंजफोर्ड की पिच होती है, ये बैट्समैन के लिए बहुत बढ़िया होती है और यहाँ पे पेसर्स को ना मदद मिलती है स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर। फिर बाद में ना यहाँ पे जो मिडिल ओवर का फेस आता है, कब से लेके कब तक, 8 से लेके 16 ओवर तक, तब दोस्तों पे स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पे। इसलिए दोस्तों आपको नीचे देखोगे कि स्पिनर्स की विकेट ज़्यादा है। अभी आपको नीचे दिखाऊंगा दोस्तों स्टैट्स सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वेन्यू के ऊपर ना इंग्लैंड वुमन ने आज तक 10 मैच खेले हैं और 9 मैच जीते हैं इस वेन्यू के ऊपर, काउंटी ग्राउंड चैलेंजफोर्ड के ऊपर, तो उनका फेवरेट ग्राउंड है वैसे तो। वहीं न्यूजीलैंड दोस्तों यहाँ पर कितने मैच खेली है, 3, और एक भी मैच नहीं जीती है यहाँ पर। आप देखो जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करती है ना, लास्ट 5 मैचेस में क्या हुआ है, 2 मैच जीती है। और जो टीम यहाँ पे चेस करती है, 3 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 5 गेम्स। और जो लास्ट मैच हुआ था ना 14 जुलाई को इंग्लैंड वुमन वर्सेस इंडिया वुमन के बीच में, वो मैच भी दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड ने चेस करते हुए जीता था। एवरेज स्कोर 120-150 आपको बनता हुआ दिखेगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट 5 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है, वुमन मैचेस के अंदर पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने 22 विकेट निकाले। पहली पारी में 13 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 9 विकेट है। राइट आर्म पेसर्स देखो यहाँ पर 20 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 2 विकेट है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहली पारी के अंदर पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखो यहाँ पे स्पिनर्स ने क्या करा है, ये स्पिनर्स ने लास्ट 5 मैचेस के अंदर वुमेंस मैचेस के अंदर 26 विकेट निकाले, पेसर्स ने 22 विकेट निकाले। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्पिनर्स है ना वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको भी आपको कंसिडर करना है। पहली पारी के अंदर 14 विकेट है स्पिनर्स के, दूसरी पारी के अंदर 12 विकेट्स है। आप देखो किस टाइप के स्पिनर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स 11 विकेट है, ऑफ स्पिनर्स सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 विकेट है, लेग स्पिनर्स के 5 विकेट है यहाँ पर। तो कुल मिला के 26 विकेट हो गए अभी स्पिनर्स के, ठीक है। जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पर 14 जुलाई को, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इंग्लैंड वुमन वर्सेस इंडिया वुमन, उस मैच के अंदर ना 3 विकेट पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों 5 विकेट यहाँ पे स्पिनर्स ने निकाला था। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सन्नी वेदर रहेगा यहाँ पर, उससे पहले आपको मैं लेके चलता हूँ ग्राउंड डायमेंशन के ऊपर, मैदान कैसा यहाँ पर दिखेगा। तो देखो यहाँ पर सामने की बाउंड्री 55 मीटर की रहेंगी, ठीक है, और स्क्वायर बाउंड्रीज यहाँ पर ना समांतर है 66 मीटर की है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों ज़्यादा बड़ा स्टेडियम वैसे है नहीं, और बाउंड्रीज को क्या पता दोस्तों छोटा ना करा जाए, क्योंकि 60 मीटर तक मेरे हिसाब से वुमेंस मैचेस के अंदर बाउंड्री चल जाती है। तो थोड़ा सा छोटा करेंगे, सिर्फ आई थिंक 5 से 10 मीटर मुश्किल से छोटा करेंगे, वरना सामने की बाउंड्री दोस्तों इतनी रहेगी, ठीक है। बाउंड्री डायमेंशन के ऊपर ने बात करी ली, वेदर फोकस आप देख ही सकते हो यहाँ पर, मोस्टली क्लाउडी वेदर है। 6 बजे के आसपास ये मैच स्टार्ट होगा कहाँ पर, इंग्लैंड के अंदर, अपने आप पे तो 11 बजे रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके स्टार्ट करना, बस आपसे वही कहूँगा। न्यूज़ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या न्यूज़ आ रही है, हिमा लैम दोस्तों यहाँ पे स्क्वाड के अंदर वापसी कर रही है, इनको बुलाया गया क्योंकि यहाँ पे चार्ली डीन माया बाउचियर को कोविड पॉजिटिव आया था रिजल्ट, ठीक है। न्यूजीलैंड वुमन की बात करते हैं तो आपको पता रहेगा सुजी बेट्स करीबन 1 साल बाद वापसी कर रही है इंटरनेशनल टीम के अंदर, इनको दोस्तों शोल्डर इंजरी हुई थी, मतलब थोड़ी सी इंजर्ड थी ये, और अमेला खैर ने पुल्ड आउट कर लिया था, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ रीज़न था उनका, बहुत अच्छी लेग स्पिनर है। रोजमेरी मेहर इंजरी की वजह से दोस्तों बाहर थी शायद, और ऐसे मॉली पेनफोल्ड करके एक बॉलर है जिनको रिप्लेसमेंट के तौर पे बुलाया गया है। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस में आज तक 26 मैच खेले हैं T20s के अंदर हेड टू हेड, और इंग्लैंड वुमन 20 बार जीती है, वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड वुमन सिर्फ 5 बार जीती है। तो चिंताजनक बात है थोड़ी सी न्यूजीलैंड वुमन के लिए, पर यहाँ पे सुजी बेट्स आ चुकी है तो थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा, पर वहीं दोस्तों अमेला खैर बाहर जा चुकी है तो एक डिसएडवांटेज भी हो गया, तो लोगों ने ना कुछ ज़्यादा खोया है ना कुछ ज़्यादा पाया है न्यूजीलैंड वुमन ने। बात करते हैं लाइनअप्स की, इंग्लैंड वुमन
टैमी वर्नर ओपन करेंगे डैनी वाइट के साथ। दोनों दोस्तों बहुत ही बढ़िया अटैकिंग प्लेयर्स है। नेट सीवे रहेंगी, वन ऑफ द वर्ल्ड की फाइनेस्ट प्लेयर मानी जाती हैं। हेदर नाइट, नैमी जोन, सोफिया डंकली, कैथरीन ब्रंट, सोफिया क्लेस्टोन, फिर आएंगे यहाँ से सारा ग्लेन, फ्रेया डेविस, मैड विलियर्स। अब यहाँ पे एक चेंज क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर मैड विलियर्स को बाहर करके टैश फ्रांट को बुला लिया जाए, क्योंकि दोस्तों दोनों को होम ग्राउंड, आपको पहले बता दूँ, मैड विलियर्स का और टैश फ्रांट का, तो चांसेस है कि टैश फ्रांट दोस्तों खेले। इन्होंने हाइस्ट विकेट टेकर के तौर पर फिनिश करा था द 100 वुमेंस कॉम्पिटिशन को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था इसका। प्रमुख गेंदबाज रहेंगे, मेरे हिसाब से खिलाना चाहिए दोस्तों, ये तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, लास्ट मैच में लाइनअप्स थी इसलिए, ठीक है। तो प्रमुख गेंदबाज नेट सीवियर, कैथरीन ब्रंट, एक्लिस्टोन, ये तीन तो सबसे प्रमुख गेंदबाज रहेंगे जो चार चार ओवर डाल देंगे। तो 12 ओवर तो ये डाल देंगे, अब जो बस्ते ओवर उसको डाल देंगे सारा ग्लेन, फ्रेया डेविस, मैड विलियर्स वगैरह, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे गिव अवे किसके ऊपर है, नेट सीवियर के ऊपर, हैशटैग स्टैट्स गुरुजी, और आपको बताना है यहाँ पर NS नेट सीवियर कितने रन्स बनाएंगी, ठीक है दोस्तों, कमेंट करते हो, अच्छा लगता है आपको देख के। न्यूजीलैंड वुमन की बात करते हैं, सुजी बेट्स ओपन करेंगी सोफी डिवाइन के साथ। दोनों दोस्तों बहुत ही क्रीम प्लेयर्स हैं, मतलब बॉल को अच्छे से टाइम करती हैं, और दम भी इनके पास दोनों के पास है। और सुजी बेट्स दोस्तों बहुत अच्छे टच में दिख रही है। MS सैथरवेट ने अपने इंटरव्यू के अंदर कहा था, मैंने दोस्तों वो भी देखा था, कि आई हैव नेवर सीन हर टाइमिंग द बॉल बिफोर दैट, मतलब ऐसा कुछ कह रही थी कि मैंने आज तक अभी देखा नहीं सुजी बेट्स को इतना अच्छा टाइम करते हुए बॉल को, सोफी डिवाइन। फिर आएंगे ऐसे MS सैथरवेट, लेफ्टी बैट्समैन है, मैडी ग्रीन, ब्रूक हैलिडे, कैटी मार्टिन, हैली जेंसेन, जैस केन, लेगन कैस्ट्रिक, ऑफ स्पिनर है, हैन एंड रॉबे दोस्तों बहुत अच्छी राइट हैंड मीडियम, एक थोड़ी सी सुलझी बॉलर लगती है, लेता हूँ राइट हैंड मीडियम फास्ट, उनके पास गति है। प्रमुख गेंदबाज जैस खैर रहेंगी, लेगन कैस्ट्रिक, लेता हूँ, और यहाँ से होनी चाहिए दोस्तों एक और कौन, हैन एंड रॉबे और सोफी डिवाइन। चलते हैं दोस्तों पे इसकी तरफ, प्रैक्टिस मैचेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाल ही के अंदर इनका प्रैक्टिस मैच हुआ था, दो तीन दिन पहले, 24 तारीख को उनका हुआ था ODI का प्रैक्टिस मैच। वो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ, जो ODI का प्रैक्टिस मैच होता है ना 50 ओवर का मैच, वो मैं आपको जब इनका ODI की सीरीज स्टार्ट होगी तब दिखाऊंगा वाला स्टैट्स। अभी तो आपको T20 के स्टैट्स देख लेना है, ठीक है, T20 का प्रैक्टिस मैच देखना अभी आपको। टीम सैथरवेट वर्सेस टीम सोफी डिवाइन हुआ था, उसके अंदर टीम सैथरवेट 3 रन से जीत गई थी। तो देखो क्या हुआ था उस प्रैक्टिस मैच के अंदर, टीम सैथरवेट ने 159 बनाया था 4 विकेट गवा के। सुजी बेट्स ने यहाँ पे 77 की पारी खेली थी, MS सैथरवेट ने 55 की पारी खेली थी, और यहाँ पे सोफी डिवाइन की टीम की तरफ से लेगन कैस्ट्रिक ने 26 रन देके एक विकेट निकाला था 4 ओवर में। वही बात करते हैं यहाँ पे इसकी, जो टीम है कौन सी, सोफी डिवाइन की, उसके अंदर 156 रन बना पाई 7 विकेट गवा के। मैगडी ग्रीन ने 49 करा था, और डिवाइन ने 21 करा था, और यहाँ से मॉली पेनफॉल्ड ने 2 विकेट निकाले थे। अब बात करते हैं जब दोनों टीम आपस में खेलती है तब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स से ध्यान दोस्तों आपको यहाँ पर होना चाहिए। तो देखो टैमी बॉर्नहार्ट 12 मैच खेली है, अपन बात कर रहे हैं हेड टू हेड मैचेस के प्लस रिसेंट फॉर्म की। हेड टू हेड मैचेस ये बताता है कि एक प्लेयर कितना कॉन्फिडेंस फील करता है एक पर्टिकुलर टीम के सामने। तो देखो टैमी बॉर्नहार्ट ने 12 मैच खेले आज तक न्यूजीलैंड वुमन के अगेंस्ट में, 244 रन है, 24 की एवरेज है, बैट फर्स्ट देखो 23-15-14 लेवल 1, बैट सेकंड देखो 63-35-29 नॉट आउट, 25-17 नॉट आउट, 11-0। तो बैट सेकंड में तो भाई अलग ही लेवल पर परफॉर्मेंस थे इनके अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमन। 2021 के अंदर 12 मैच में 329 रन से 27 की एवरेज है, 100 के अंदर अच्छा टच में दिखी थी, कड़क प्लेयर है दोस्तों, दिन होता तो बहुत अच्छा खेलती है। डैनी वाइट भी बहुत ही क्लासिकल प्लेयर लगती है दोस्तों, जब आप इनको देखते हो जिस टेक्निक से खेलती है। 19 मैच में इसका 20 की एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमन, 181 रन है, बैट फर्स्ट 37-15-10 नॉट आउट 3, बैट सेकंड 50-33-16-9-6 नॉट आउट 2-0। अब आपको यार इसने 19 मैच खेला है, लेकिन खेली कितनी बार दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 11 बार थी आई थिंक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ। तो दोस्तों 11 इनिंग्स में इसकी सिर्फ बैटिंग आई है, क्योंकि पहले डैनी वाइट बहुत नीचे खेला करती थी जब इन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा था। 2021 के अंदर फॉर्म अच्छा, 15 मैच में 376 रन 29 की एवरेज आई मीन। नेट सीवियर आएंगे यहाँ से, 11 मैच 13 विकेट से 30 की एवरेज है, 211 रन, हाइस्ट 59, 30 प्लस एक बार करा है। इनका दोस्तों बढ़िया परफॉर्मेंस हमेशा रहता है, बैट फर्स्ट 59-23-9-9, बैट सेकंड 39 नॉट आउट 26 नॉट आउट 21 नॉट आउट 16-6 नॉट आउट 3-0। 2021 के अंदर फॉर्म वैसे ही अच्छा है, 14 मैच के अंदर 353 रन 11 विकेट है। हीदर नाइट आएंगे यहाँ से, 8 मैच 31 की एवरेज है, 155 रन है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, हाइस्ट 39 है, 30 प्लस जुबार करा है, 7 विकेट्स विद द बॉल है, और ये 7 विकेट इसने सिर्फ 3 मैचेस में निकाले थे, और जो बाकी के 5 मैच विकेटलेस गई थी। 2021 के अंदर 13 मैच में 300 रन 4 विकेट्स हैं। MS जोन्स आएंगे यहाँ से, 8 मैच में 35 रन है, बैट फर्स्ट में उसका T20 करियर के अंदर 21 की एवरेज है, बैट सेकंड में 27 की एवरेज है। 2021 के अंदर 15 मैच के अंदर 264 रन 26 की एवरेज है। सोफिया डंकली आएंगे यहाँ से, 3 मैच खेल रखा है इसने न्यूजीलैंड वुमन के अगेंस्ट में,
एक बार 26 बैट फर्स्ट करते हुए 0 नॉट आउट वेल चेसिंग, और एक बार इनकी बैटिंग नहीं आई थी, तो तीन मैचेस के अंदर कुल मिला के 26 की एवरेज हो जाती है इनकी। और इस साल बहुत अच्छा फॉर्म था, 2021 के अंदर 15 मैच में 275 रन्स और 31 के एवरेज, और मेरे हिसाब से 100 के अंदर बहुत ही बढ़िया इंटेंट के साथ खेली थी सदर्न ब्रेव के लिए, अपनी टीम को फाइनल तक लेके गई थी, हेल्प करी थी थोड़ी बहुत। कैथरीन ब्रंट 13 मैच 16 विकेट से 46 रन्स है, बॉल फर्स्ट में 13 विकेट से, बॉल सेकंड के अंदर मात्र 3 विकेट है, और 2 मैच के अंदर विकेटलेस गई है ये, मतलब 13 मैच खेल के। 2021 के अंदर 13 मैच में 12 विकेट से फॉर्म दोस्तों एवरेज है, ना स्पेशल ना इतना खराब। मैडी विलियर्स 4 विकेट से 3 मैचेस के अंदर कैसे निकाला, 3 विकेट बॉल सेकंड है, 1 विकेट बॉल फर्स्ट है, 0 विकेट है इसका। फिर इस साल 16 मैच में 11 विकेट्स है मैडी विलियर्स का। सोफिया क्लिस्टन का दोस्तों 6 मैचों में 12 विकेट्स है, हेड टू हेड मैचेस अगेंस्ट न्यूजीलैंड वुमेन, बॉल फर्स्ट 4 मैच में 6 विकेट है, बॉल सेकंड 2 मैचों में 6 विकेट्स है। अब बॉल सेकंड में कैसे विकेट निकला था, 4 विकेट और 2 विकेट, तो हो गया ना 2 मैच में 6 विकेट। 2021 के अंदर 13 में 13 विकेट्स है। सारा ग्लेन का दोस्तों हेड टू हेड मैचेस के अंदर कुल मिला के 3 मैचों के अंदर 5 विकेट है, 2-2 विकेट बॉल फर्स्ट और 1 विकेट बॉल सेकंड है। बहुत बढ़िया प्लेयर है वैसे तो, बॉल सेकंड में और अच्छे स्टैट्स इसके, पूरे ओवरऑल T20 करियर के अंदर 34 मैच में 43 विकेट्स है। फिर एडविस आएंगे यहाँ से, 3 मैचों के अंदर 5 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए 4 विकेट हॉल भी निकाला था उसने, आई थिंक वेस्ट पार्क वगैरह के अंदर न्यूजीलैंड, बहुत बेटर प्लेयर है वैसे तो। 2021 के अंदर 13 मैच में 11 विकेट। टेस्ट रन की बात करते हैं यहाँ पर, हेड टू हेड मैचेस में 4 मैचों में 3 विकेट्स है, हर बार बॉल सेकंड करते हुए विकेट निकाला है, और 2021 के अंदर 11 मैचों में 18 विकेट है। कड़क दोस्तों प्लेयर है, टप्पा अच्छा है इसके पास, वेरिएशन अच्छा है, नकल बॉल अच्छी डाल लेती है। 100 दोस्तों अपन ने पूरा बैठ के देखा था, आपको भी पता ही है पूरा मैच, एक एक बॉल दोस्तों अभी भी याद है मेरे को, तो 100 की चाहे मेंस मैच देख लो चाहे वुमेंस का कॉम्पिटिशन देख लो, पूरा मैच अपन ने दोस्तों लाइव देखा था, ठीक है। नैशन बसोले 12 मैच 21 विकेट है, खेलती है तो मस्ट भी होनी चाहिए, बॉल फर्स्ट 16 बॉल सेकंड 5 विकेट है, 2 मैच के अंदर विकेटलेस है। स्टार्टिंग ओवर कैथरीन ब्रंट डालेंगे, फ्रेड डेविस डालेंगे, नेट स्टीवर्ट डालेंगे, सोफिया क्लिस्टन, तो 4 बॉलर दोस्तों स्टार्टिंग ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले के अंदर, ठीक है। अब डेथ ओवर में कौन आएगा, फ्रेड डेविस आएंगी, नेट स्टीवर्ट आएंगी, क्लिस्टन। अगर दोस्तों आप एक टैश फ्रंट खेलती है, मैं रिपीट करता हूँ, तो पक्का डेथ ओवर में उसके एक या दो तो कंफर्म रहेंगे टैश फ्रंट के, FARRANT, ठीक है। न्यूजीलैंड वुमन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, सुजी बेट्स 21 मैच 22 के एवरेज है अगेंस्ट जो टीम है इंग्लैंड वुमेन, 465 रन है, हाई 60 है, 30 प्लस ने 8 बार करा है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, डक पे 3 बार आउट हुई है। 2020 के अंदर 16 मैच में 271 रन था, 19 के एवरेज से, दोनों प्रैक्टिस मैच में दोस्तों उसने कड़क परफॉर्मेंस दिया था, ODI के अंदर भी बहुत बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस था, ODD का जो प्रैक्टिस मैच होगा ना इनका इंग्लैंड ए के अगेंस्ट में हुआ था वो, और इसने अभी इंट्रा स्क्वाड वाले T20 मैच के अंदर भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। MS 20 मैच में 16 की एवरेज, 306 रन है, 49 है, 30 प्लस 3 बार है, 9 विकेट्स है, और तीनों 30 प्लस स्कोर इसने बैट फर्स्ट करते हुए करा था। 2021 के अंदर 16 मैच में 430 रन, 37 का एवरेज है। सोफी डिवाइन 16 मैच 18 की एवरेज, 268 रन, हाईस्ट 52, 30 प्लस 3 बार करा है, 9 विकेट्स है, तो बढ़िया खासा परफॉर्मेंस है दोस्तों। मैं आपको एक लॉजिकली कहूँ ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर वुमेंस के अंदर मेरे लिए सबसे बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट ऑलराउंडर का किसको खिताब जाता है, तो मैं दोस्तों होता, मैं यहाँ पे बायस नहीं हूँ, मैं बस आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ दोस्तों, जो मैंने ऑब्जर्व करा है वो है सोफी डिवाइन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं देता है एलिस पैरी को, फिर या नेट सीवियर जैसे प्लेयर्स को, ठीक है, फैली मैथ्यूज जीना डॉटी, इस टाइप की प्लेयर्स होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप देखो डेनवर नाइकरी मर्जेना कैप, ठीक है, तो देखो यहाँ पे सोफी डिवाइन 18 की एवरेज है, 16 मैच में 268 रन आपको बताई दिया मैंने, और 9 विकेट्स है। 2021 के अंदर 12 मैच के अंदर 42 की एवरेज थी, 460 रन से 9 विकेट्स थे, तो बढ़िया खासा परफॉर्मेंस देती है। फॉर्म दोस्तों इंटरनेशनल में पता नहीं क्यों उनका कम हो जाता है कभी कभी, वरना डोमेस्टिक में तो वही अलग ही लेवल पे खेलती है, मुझे अभी भी याद है 8 मैच 69 रन से मैडी ग्रीन का, बैट फर्स्ट 8-4-3-2-0 टेलीफोन नंबर लग रहा पूरा, वहीं देखो बैट सेकंड 23-29 और क्या करा है 9 करा है, बैट फर्स्ट 17 बैट सेकंड 22 के एवरेज है। 2021 के अंदर 16 मैच में 267 रन से मैडी ग्रीन का। ब्रुक हैलिडे 16-7 रन 1 विकेट प्लस 1 रन है, बैट फर्स्ट में अच्छा करती है, 19 के एवरेज है। कैटी मार्टिन का 10 मैच में 108 रन है, 10 के एवरेज है, बैट फर्स्ट 36-19-12-8-6-2-0 बैट सेकंड 16-4-3-2। 2021 के अंदर 14 मैच में 307 रन है। आएंगे यहाँ से हलीजन सेन, 6 मैच 2 विकेट है, 48 रन है, बैट फर्स्ट 15 बैट सेकंड 11 की एवरेज है। 2021 के अंदर 11 मैच में 5 विकेट 141 रन था। जेस कैर 3 मैच के अंदर 13 रन 0 विकेट्स अगेंस्ट दिस टीम इंग्लैंड वुमेन। 2021 के अंदर 16 मैचेस में 14 विकेट है। लैगन कैसिडी का हेड टू हेड मैचेस के अंदर 5 मैचों में 7 विकेट्स है, 1 मैच के अंदर विकेटलेस गई है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इसका हर बार। 2021 के अंदर 17 विकेट्स 11 मैचों के अंदर, क्या चाहिए आपको 113 रन और क्या चाहिए यार, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है आपको। हेनन रॉवे 2 मैचों में 0 रन 0 विकेट्स है। 2021 के अंदर 10 मैचों में 5 विकेट 115 रन है,
मेरे हिसाब से अच्छा टच में दिखी थी प्रैक्टिस मैचेस के अंदर, तो विद द बॉल मतलब टप्पा अच्छा था, टच तो बोल नहीं सकते, तो बैट्समैन टच में रहता हो तो ली ताऊ 7 मैचों में 6 विकेट है, 3 मैच के अंदर विकेट लस गई है, 2021 के अंदर 8 मैचों में 5 विकेट है और 54 रन जब बैट परफॉर्मेंस दे सकती है। थैमसन न्यूटन का आप देख सकते हो क्वालिटी ग्रीन हो गई यहाँ पे, हर प्लेयर के स्टैट्स मैंने दिए दोस्तों आपको स्टार्टिंग और ली ताऊ हैनन रावे जैस खैर डेथ और में ली ताऊ जैस खैर लगन कैस्ट्रिक एंड सोफी डिवाइन, और स्टार्टिंग में दोस्तों सोफी डिवाइन एक ओवर डाल देती है कभी कभी। वैन्यू स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो इस वैन्यू के ऊपर देखो टैमी वॉनट ने 4 मैच खेले 109 रन से 27 की एवरेज है, 55 बैट फर्स्ट 35 बैट सेकंड 8 बैट सेकंड 11 बैट सेकंड। डैनी वाइट का 10 मैच में 47 की एवरेज है, यहाँ पे 189 रन है, 6 पारियों के अंदर यहाँ पे इसको सिर्फ खेलने का मौका मिला 10 मैच खेल के, बैट फर्स्ट 28 12 10 नॉट आउट, बैट सेकंड 50 0 89। इसमें दोस्तों लास्ट टाइम 14 जुलाई को अपन बात कर रहे थे तब स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने पिच रिपोर्ट पे कि इंग्लैंड वुमन वर्सेस इंडिया वुमन के बीच में लास्ट मैच इस वेन्यू के ऊपर हुआ था, उसके अंदर मैन ऑफ द मैच डैनी वाइट रही थी, 89 नॉट आउट की पारी खेली थी। नेट सीवियर 4 मैच 123 रन है, आई थिंक 7 मैच क्षमा चाहता हूँ 7 मैच 40 के एवरेज 123 रन है, 6 पारियों में इसकी सिर्फ फिफ्थ बैटिंग आई है और इसका आई थिंक 4 विकेट है यहाँ पर, ठीक है। जब देखो 6 बैट फर्स्ट बैट सेकंड 28 21 20 42 लास्ट टाइम करा था। हिदर राइट 9 मैचेस में 121 रन है, 24 के एवरेज, बैट फर्स्ट 24 13 6 और बैट सेकंड 52 17 3 6। एमबी जोस का 5 मैचों में सिर्फ यहाँ पे 3 रन है, सोफिया डंकली का 1 मैच में कोई रूल नहीं था, कैथरीन ब्रेंट का यहाँ पे 9 मैचों के अंदर 10 विकेट से 3 मैच के अंदर विकेट लग गई है, एक्लिस्टोन का यहाँ पर आप देख सकते हो 4 और 7 विकेट से कुल मिला के 3 मैचेस के अंदर और अदा बॉल फर्स्ट करा था। फ्रेड डेविस का 3 मैच में 0 विकेट है, मैडी ब्लेट्स का दोस्तों यहाँ पर 2 मैच में 1 विकेट है, टैश वॉरन का 2 मैच में 2 विकेट, एनएच रॉबर्टसन का 8 मैच में 5 विकेट है, 4 मैच के अंदर विकेट लग गई है। न्यूजीलैंड वुमन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब, तो देखो यहाँ पर सुजी वेट्स 4 मैच 102 रन से, बैट फर्स्ट 31 19, बैट सेकंड 52 एंड 0। हैली जेनसेन 9 रन प्लस 0 विकेट है, एम एस चतुर्वेद 19 और 14 है बैट फर्स्ट करते हुए, सोफी डिवाइन 31 और 21 और 9 है 9 चेस करते हुए और सब बैट फर्स्ट है, मैडी ग्रीन 8 रन है, कैटी मार्टिन 2 रन है, लैगन कैसरिक 5 रन प्लस 0 विकेट है, हैनन रोवे का 1 मैच में कोई रूल नहीं था, ली ताऊ 1 मैच में 0 विकेट है। कॉमन कैप्टन नेट सीवियर आपको दिखेंगे, सोफी डिवाइन दिखेंगे, बड़ी लीग्स में उसको बनाना है, नेट सीवियर सोफी डिवाइन और यहाँ से एम एस चतुर्वेद भी एक अच्छी विकल्प है, ये दोनों में से आप दोस्तों रोटेट कर लेना, कैथरीन ब्रेंट और एक्लिस्टोन, ये 4-5 प्लेयर्स हैं दोस्तों मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो डैनी वाइट को ट्राई कर सकते हैं, सोने पर लास्ट टाइम अच्छी नॉक ली थी, सुजी बेट्स भी दोस्तों कड़क प्लेयर लग रही है और टैमी वॉनट भी, पर मैं आपसे कहूँ ऑलराउंडर को ज़्यादातर प्रीफर देनी है आपको, ठीक है। बात करेंगे टीम्स की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमन मैचेस में आपको बताइए क्या होता है, जो ऑलराउंडर्स होते हैं ना वो मैक्सिमम पॉइंट स्विच करता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है, या तो विद द बैट परफॉर्मेंस दे या तो फिर विद द बॉल परफॉर्मेंस दे, अगर विद द बैट 20 रन कर जाते हैं फिर 1-2 विकेट नहीं जाते हैं तो फिर वहाँ पर जो बैट्समैन होता है ना वो बेचारा 60-70 रन भी कर देता है, तो उससे बेटर पॉइंट ऑलराउंडर दिए जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी ध्यान रखना है ऑलराउंडर और बॉलर्स के ऊपर। बैट्समैन तो बहुत अच्छे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं बस आपको एक लॉजिक बता रहा था। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, मैं कहूँगा रिस्क लेने से नहीं डरना है लाइफ के अंदर। एमी जोन्स ये दोस्तों बहुत बेटर प्लेयर है, अपन टेक्निकली बात करते हैं, मैं इनको इसलिए नहीं रहा क्योंकि शायद इंग्लैंड वुमन दोस्तों पहले ही टॉप ऑर्डर काम कर जाए, कैटी मार्टिन दोस्तों ज़्यादा बेटर मतलब इनका चांस है बैटिंग आने के, इसलिए मैं इनको प्रीफर कर रहा था, वैसा कोई दोस्तों कोई खास लॉजिक नहीं है। एम एस चतुर्वेद ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं, प्रैक्टिस मैचेस में 55 कराई था इसने, आपको बता ही दिया था मैंने, पर ये कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको आप ड्रॉप करके गट फील वाला रिस्क लेके क्रेडिट मैनेज कर सकते हो, उसका नाम है पहला एम एस चतुर्वेद, ठीक है। टैमी बॉनेट भी दोस्तों ठीक ठाक विकल्प है, डैनी वाइट अच्छी विकल्प है, ये दोस्तों वर्ल्ड क्लास प्लेयर मानी जाती है पर इंजरी के बाद आ रही है, तो क्या पता इसने दोनों प्रैक्टिस मैचेस के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और यहाँ पे आते दोस्तों मीठी होली दी जाए वो बात अलग हो जाएगी, फिर अच्छी प्लेयर है वैसे तो स्टार प्लेयर। मैडी ग्रीन ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई करना, डंकली को भी आप ट्राई कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। हिदर राइट दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है, टेक्निकल साउंड प्लेयर है, बॉलिंग शायद ना कराएं लेकिन विद द बैट आपको थोड़े बहुत रन करके जरूर देंगी, पर इनका क्रेडिट बहुत ज़्यादा ही है 10 के आसपास है। कैथरीन ब्रेंट एथर में आएंगे इसलिए इनको मैं ज़्यादातर प्रीफर कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कुछ चलेंगी। एक्लिस्टोन इंपॉर्टेंट, लेकिन कैस्ट्रिक दोस्तों एक अच्छी खासी स्पिनर है, अगर बॉल फर्स्ट करे तो जरूर ट्राई करना। जैस खैर डेथर में आ सकती है जिसने जनता ने रखा है, तैश फराना दोस्तों खेलेंगे तो पक्का मैं इनको पिक करूंगा, अनैश रॉबर्टसन भी दोस्तों बॉल फर्स्ट में ट्राई जरूर करना है, लेट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, थोड़ी सी रिस्की पिक है। सारा ग्लेन ने हेड टू हेड मैच में ठीक ठाक काम करा है, हैनन रॉवे ग्रैंडिंग अंदर ट्राई कर सकते हो और फ्रेड डेविस को भी, और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा। टेलीग्राम के ऊपर कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करावा मिल जाएगा, तब तक के लिए देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी और टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।